नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई, जो आज का वीडियो है ना, वो है अर्जुन ओ की पावर बताऊंगा आपको रोटावेटर ऊपर। तो भाई, आज ट्रैक्टर के हिसाब वाला रोटावेटर मिला है अपने को, जो कि है 7.5 फीट का लैंड फोर्स का। और ये जो रोटावेटर है, ये है ना 42 ब्लेड वाला है। ये देख सकते हो आप, मतलब ये है रोटावेटर, असली रोटावेटर भाई इसे बोलते हैं। तो ये 7.5 फीट का रोटावेटर है। सबसे पहले आपको मैं मिट्टी की कंडीशन दिखा दूँ। तो मिट्टी भाई, ये देखो भाई, ये इतनी ज़्यादा गीली मिट्टी है। मैंने ये इतने राउंड निकाले हैं, बहुत ज़्यादा है। आपको वीडियो में लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये देख लो भाई, टायरों के ऊपर मतलब इतनी मिट्टी चिपक रही है। यहाँ पर आपको सूखा लगेगा, ये इतनी ज़्यादा गीली मिट्टी है। और भाई, ये MP की मिट्टी है, जो MP से उन्हें खुद पता है कि यहाँ की कंडीशन कितनी बेकार है। गीले के टाइम में रोटावेटर चलाना मतलब सिर दर्द है। अपने पास जो मेस्को का रोटावेटर है ना, वो वहाँ पे खड़ा, देखो ये। अब मैं उसे क्यों नहीं लाया, क्योंकि भाई वो 54 ब्लेड में 6.5 फीट का है, जायरोवेटर। वो एक राउंड निकालता उसमें मिट्टी पूरा चौक हो जाता। ये 42 ब्लेड वाला 7.5 फीट में है। ये देखो, इसमें भाई मिट्टी फंस चुकी है ये यहाँ पर इस साइड, और अंदर की तरफ भी आप देखोगे ना तो पूरा मिट्टी से भरा गया रोटावेटर। नीचे देखो भाई कितनी मिट्टी है। तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो, सबसे बेकार कंडीशन है ये रोटावेटर करने के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा ताकत इसी में चाहिए। इस कंडीशन में भाई, भले ही ट्रैक्टर 60 हॉर्स पावर, ऐसा नहीं बोल रहा ट्रैक्टर मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन ट्रैक्टर आग उगल रहा है, समझ रहे हो ना भाई। तो अपन इसको ना L1 से लेकर तो H2 तक सभी गियरों में चलाएंगे, हेवी के लो के फर्स्ट से तो हाई के सेकंड तक सभी गियर में अपन इसकी पावर चेक करेंगे, कौन से गियर में कितने RPM ड्रॉप करेगा ट्रैक्टर। तो चलो भाई चालू करते हैं। भाई ये अपन ने लगा दिया, इसमें 540 स्टैंडर्ड BTU है, और अपन इसका RPM कर देंगे 1800 पर। 1800 RPM हो गए। एल का पहला, देख लो भाई 250 RPM ट्रैक्टर ने ड्रॉप कर दिया। या फिर जिसे अपन बोले रोटावेटर कंडीशन बहुत खराब हो गई, रोटावेटर चौक हो गया है। तो अब भाई अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे लीवरों को, क्योंकि भाई इस कंडीशन में चलाना मेरे को भी लगता नहीं पॉसिबल होता। तो भाई लीवर ऊपर करने का बाद आप देखो इतना फर्क आ गया। देखो भाई,
अब मैं लीवर डाउन कर रहा हूँ, लेकिन ट्रैक्टर चला रहा है। अब भाई अपन लगाते हैं मीडियम का दूसरा। हाँ देखोगे सामने तरफ भाई इतनी ज्यादा मिट्टी इकट्ठा हो गई, लेकिन ट्रैक्टर चला रहा है मीडियम का दूसरे में भी। मेन जादू और दिखाता हूँ, अभी तक आपने देखा ट्रैक्टर दब रहा था, ये अपने लगाए हाई ये बस, ये देखो मतलब ट्रैक्टर में पता नहीं कौन सी ताकत आ जाती है, दोनों में लीवर के नीचे कर दे रहा हूँ। अभी आपको इसको हाई के सेकंड में फालतू है, कोई फायदा नहीं है चलाने का। तो किसान भाइयों सबसे पहले जो खाए सिर्फ यही ट्रैक्टर नहीं, कोई सा भी ट्रैक्टर देख लो भाई, फार्मर ट्रैक 60-55 कुछ भी देख लो, नहीं चल पा रहे इतने गीले में, ये कंडीशन इतनी बेकार है। फार्मर ट्रैक 60-55 कोई सा भी नहीं चल रहा है इतने गीले में, बहुत बेकार कंडीशन है। आप देखो ये पूरा रोटावेटर चोक हो गया, ये अंदर की तरफ आप देखोगे ना यहाँ पर पूरी ब्लेडों में गेप ही नहीं बची, पूरा कटिंग कर करके वो देखो आप, ये यहाँ पर कोई गेप ही नहीं बची, वहाँ पर आप देखो ये यहाँ पर ब्लेड में पूरी कोई भी गेप नहीं है। तो भाई ट्रैक्टर पे ऑब्वियसली लोड पड़ेगा, कोई से ट्रैक्टर देख लो इतनी बेकार कंडीशन में एमपी में रोटावेटर चलाना, मतलब कि समझ रहे हो ना, तो इतनी बेकार कंडीशन है। 7.5 फीट का रोटावेटर है ये तो, और चल रहा है, मेरा जायरोवेटर होता ना तो भाई वो तो चल भी नहीं पाता इतनी बेकार कंडीशन में। बारीक कर रहा है ये देखो आप, इधर की साइड बहुत ज़्यादा बारीक कर रहा है, लेकिन इतनी बेकार कंडीशन में अगर आप ज़्यादा, मेरे को जैसे 5 बीघा करना है ना 1 हेक्टेयर, तो ठीक है इतना हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचो कि दिन भर आप चलाओगे ना तो भाई पॉसिबल नहीं है। एमपी में जिनको पता है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो बाहर से देख रहे भाई एक बार एक्सपीरियंस करके देखना आप खुद, आपको पता चल जाएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।